4 दिन हो गए ये हो रहा है, खुदाई करके पटक गए, कोई ना कर रहा काम, और यहाँ सबको हो रही है परेशानी। वहाँ से वहाँ तक देखिए, वो पानी भी कितना गंदा भरा पड़ा है, और बड़े बुजुर्ग सभी रहते हैं लेकिन नाली बंद नहीं करी, खुली पड़ी अभी तक, और मजदूर काम करने वाले भी नहीं आ रहे 4 दिन से, ऐसे ही खुली पड़ी हुई है पानी की वजह से। सब लोग परेशान है। कनेक्शन तो कर करके छोड़ गए है ना, कनेक्शन कर छोड़ गए हैं, लेकिन सही नहीं करके गए इसको, गली को। क्या हो इसका समाधान, कमेंट करके बताएं सभी। कितने दिन से पानी गंदा आ रहा था, महीने से है? महीने से पानी आ रहा गंदा। ये बेचारी आंटी है, सबको इकट्ठा करती घूम रही है, लेकिन ये लिखा हुआ है ना, ये है कोई दीपक जैन भैया, ये कैसे मिलेगा नंबर, मिला अभी ना, तुम्हें मिला कोई मिलाओ ना। पानी नहीं आ रहा क्या, एक दिन से नहीं आ रहा, 2 दिन से, पहले 2 दिन आया था। अब इसके लिए किसको बोल के आए हो, इसके लिए किसको बोल के आए हो आंटी? अच्छा, अब तो जेसीपी भी आ गई ना भरने के लिए, आ गई ना जेसीपी। हाँ ये आंटी है, इसको परेशानी हो रही का एक दिन से परेशानी हो रही, बताओ। परेशानी हो रही, हमारा पानी नहीं आ रहा, पीने का भी नहीं आ रहा, बाहर से मंगवा रही हो रोज, बाहर से मंगवा रहे, नहाने तो 4 दिनों के नहाए भी ना, नहाए भी ना, बताओ आंटी 4 दिन से ना नहाए, बताओ कितनी परेशानी हो रही है आंटी को, बताओ। मेरे घर चलती वहाँ ना आती, हाँ 4 दिन से परेशान है, मिट्टी मुट्टी खोदी पड़ी है, हाँ बच्चे भी गिर सकते हैं इसमें, वैसे भी परेशानी पानी वानी की भी हो रही है सबको। कौन है इसका हेड, बताओ। हाँ बताओ कौन है हेड, हेड कौन है, आंटी पूछ रही है हेड कौन है इसका, बताओ किसने खुदवाया ये, है ना, किसने खुदवाई है ये गली, हेड कौन है इसने, किसने किसने खोदा, भरने क्यों नहीं आ रहा। हाँ पर अब तो आ गई आंटी, जैसे भी वो चल रही, सीवर ठीक करने भी आ गए, सीवर का भी पाइप टूट चुका, और तो सीवर वाले भी आए हैं, अब आए हैं रोड़ा पा के आई है आंटी। आंटी का टूट गया समरसल है, ए आंटी दूर हो जा। का हो गया नुकसान, समरसीवल टूट गया बेचारी का, आंटी का समरसीवल टूट गया।
से पाँच फुट नीचे है पानी की लाइन, तो बहुत गंदा पानी आ रहा था, तो अब उन्होंने नए कनेक्शन करे हैं ये वाले, तो पानी भी गंदा ही आ रहा है, पानी का कोई सलूशन नहीं। सल पान उसमें मिट्टी में दबरा था ना, तो उसको दिखाई नहीं दिया, वो कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे भैया कि तुम बता देते पहले क्या समरसर है। हाँ देख के करना था। अब तुम चिल्लाने से क्या होगा, अब तो हो गया जो होना था। शाम तक काम होगा पूरा। आंटी का पैप ऊपर पड़ा है, तो आंटी बोल रही है उसे दबा दे, पर वो सुन ही नहीं रहा, वो कर रहा है अपने काम। Thank you.